नमस्कार जनित आवाज में मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज यहाँ रामलीला मैदान पर अलग अलग राज्यों से जो मजदूर संगठन आया हुआ है वो देखिए आप कि क्या इनकी मांग है, डिमांड है चार लेवल कानून जो ला करके इनके ऊपर थोप दिया गया है। बाबा कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कैथल, हाँ हरियाणा से। अच्छा। और गाँव गुला जिला गुला ब्लॉक। क्या नाम है? मेरा नाम है ब्रह्मपाल। किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये कानून के लिए आए कि तीन कानून चार कानून खराब तोड़ दिए अपने, हाँ लेबर कोर्ट के लिए हमें कानून लागू कराने हैं। महिलाएं भी है, क्या नाम है आपका? पम्मी है जी। कहाँ से आए? खरका से आए। रैली इसके मारे लगा रहे हैं जी, भी कोई हमारा मसला हल नहीं होता, जो सब मसला हल करने जाते हैं हमारा कोई नहीं हो रहा। अम्मा भी है इतनी उम्र की, अम्मा क्या नाम है आपका? इना के साथ हूँ मैं, नहीं साथ में है। क्या उम्र है आपकी? 5/60 6/60। यहाँ पे देखिए बहुत लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैडम सुदेश है मेरा नाम, जनसंघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से महासचिव हूँ। इसलिए आए कि मोदी सरकार ने चार लेबर कोड जो मजदूरों को कर्मचारियों को हक मिले हुए थे पुराने, उनको छीन लिया, हायर एंड फायर कर रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं, मजदूर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को और कारपोरेट को और पूंजीपतियों को मोटा कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। इसलिए हम, क्योंकि हमें हड़ताल का अधिकार खत्म कर रहे हैं, उसमें जो है कच्चा रोजगार, ठेके पे भर्ती, फिक्स टर्म रोजगार, तो ये सारा क्या है, इसमें कोई यूनियन कैसे बनाएगा? अगर ठेके पे है, कच्चे कर्मचारी हैं, नीम ट्रेनी है, फिक्स टर्म पे है, इवन अग्निवीर योजना में फौज में भी ऐसा कर दिया, तो अगर कच्चे कर्मचारी को यूनियन नहीं बनाएगा और उनको कभी भी ये पूंजीपति निकाल सकते हैं नौकरी से। इसके खिलाफ आए हैं कि हम जो करते हैं मजदूर वर्ग ही पैदा करता है, तो क्यों ना हम जो है मजबूत हों, हम सशक्त हों। जो ये महंगाई बढ़ रही है, सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, इवन रेलवे के किराए बढ़ा दिए हैं, उनको बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, बीमे का निजीकरण कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार तो इसकी खूबियां बता रही है कि चार लेबर कोड की भाई खूबियां हैं, उसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बेस्ट रहेगा और इनके जो कानून बनाया गया है इनके काम धाम का सब कुछ वो स्ट्रक्चर। हाँ, वो तो कहेंगे। हाँ। लेकिन जो कर्मचारी है, जब उसको कच्ची नौकरी पे कोई खुश होगा, किसी को पेंशन नहीं मिलेगी वो खुश होगा? आज रख लिया 2 साल बाद निकाल लेंगे वो क्यों खुश होगा? कोई तो खुश होगा, वो कॉर्पोरेट होगा, पूंजीपति होंगे और उनकी पार्टियां और उनकी सत्ता वाले लोग होंगे। अभी यहाँ पे रामलीला मैदान पे आप लोग इतनी संख्या में आए हुए हैं, अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, रैली राष्ट्रपति भवन पे, और ये मांग पत्र हमारा है, उसमें सब मांगे हैं कि सभी को पक्का रोजगार दो, 26,000 कम से कम मिनिमम वेज हो, 1,000 रुपए दिहाड़ी हो, और जो है लेबर कोड रद्द करो, निजीकरण बंद करो, सार्वजनिक उद्योगों को जो है वो सार्वजनिक रहने दिया जाए, यही हमारा मेन आज का है। उसी क्या नाम है? करमजीत कौर जी। कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आए, अलग अलग जगह राज्य से आए हैं देखिए ये लोग। तो क्या कुछ ऐसी समस्या आ गई आप महिलाओं को घरों से निकल के आज रोडों पे आना पड़ा? समस्या सभी प्रकार की आ रही है जी। हाँ जी, ये जो लेबर कोर्ट सरकार ने चलाए हुए हैं मजदूर विरोधी, काम करती हैं आप? हाँ जी हाँ जी, मनरेगा में काम करा जी हम। मनरेगा में काम? हाँ जी, मनरेगा में काम करा, मनरेगा में काम पूरा नहीं मिलता है वो। वैसे तो सरकार कह रही है मैं 100 दिन काम दे रही हूँ, कानून बने हुआ है, पर कानून की भी आजकल उसके अधिकारी व सरकार पूरी धज्जियां उड़ा रही है। सरकार धज्जियां उड़ा रही, सरकार हमेशा से जो है कानून लाती है फिर उसका विरोध होने लगता है, लेकिन वो उसकी अच्छाइयां बताने लगती है, अच्छाई नहीं है इसमें? नहीं नहीं, अच्छाई नहीं है इसमें, इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा मिली भगता है। हाँ जी। मनरेगा में आप लोगों को किस तरीके की दिहाड़ी मिलती है, किस तरीके से मतलब वेतन मिलता है? हमको काम के हिसाब से मिलता है, जितना काम करेंगे उतना मानदेय, तो कानून तरीके से 331 रुपए दिहाड़ी सरकार ने चलाई हुई है, पर 331 रुपए भी मजदूर को पूरी नहीं मिलती है, वो भी पूरे नहीं मिलती। किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए, किसी को 90 रुपए, किसी को 200 रुपए, इस प्रकार से दिहाड़ी मिलती है। इतने रुपए में आप काम कर रहे हैं, इतने रुपए में तो इंसान का घर भी नहीं चलता है। चलता नहीं है, पर आला चलाई उरम परम मजदूरी, महंगाई भी है ऊपर से, महंगाई भी बहुत है, पर उरम परम मजदूरी करका थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे अंदर। अम्मा क्या नाम है आपका? बाला। कहाँ से आई है?
पंजाब से आई हैं। ये देखिए पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है। क्या नाम है? मेरा कृष्णा जी। कृष्णा कहाँ से आई हैं? हम कैथल जिले से आए हैं। कैथल से आए हैं, पंजाब से भी आई हैं। माँ इतनी उम्र है आपकी, आज रोडों पे आप परेशान हो रहे, क्या हो गया? कोई बात नहीं जी, परेशानी परेशानी तो गरीब बंदा इस रीजन ले करा तो मारे ना जी 14 दिन के पैसे, मतलब 5-6 महीने में पड़े थे, करे था माने काम, जद कई मतलब पैसे होने पड़े हैं जी, नहीं वो पैर पीट कर रह लिया। हम काम कर रहे हैं, काम इतना दुगना लिया जा रहा है लेकिन सैलरी और पैसा नहीं दिया ना जी, पैसा नहीं दिया, समझ डरते पड़े झूंड। काम करती हैं? हाँ काम करते हैं जी। क्या उम्र है आपकी? उम्र 60 साल है बेटा। 60 साल है, क्या काम करती है? यो झूंड पाटते हैं जी, नहरा माँ को, नदी नोलिया माँ को। और उसकी मजदूरी क्या मिलती है आपको? उसको उसकी मजदूरी 300 भी नहीं मिलते जी, पूरे 300 भी नहीं मिलते? नहीं मिलते, जबकि घर चलाने के लिए एक लगभग एक अच्छी सैलरी वाला इंसान भी घर नहीं चला पाता। और बेटा ना 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 बिल्कुल नहीं चला सकता बेटा, के करा फिर करिए के, पैर पीट कर नहीं रह ले। कितने है परिवार में सदस्य आपके? मेरा जी 5-6 है। 5-6 है, आप ही काम कर रही है और भी लोग हैं? बस काम तो जी करा तो है, बस घर भी नहीं चलता, मुश्किल चला घर तो। हाँ मुश्किल चलता जी। देखिए कि मजबूरी देखिए कि मनरेगा में काम करने वाले उनको दिहाड़ी भी जो है, काम तो दुगना लिया जाता है लेकिन पैसे जो है 331 रुपए ऐसे बताया जाता है, 331 रुपए, लेकिन वो भी जो है मानदंड इनको दिया नहीं जाता, इनकी राशि इनको दी नहीं जाती है। सोचिए इनसे काम लिया जाता है लगातार, इतने लोग यहाँ यहाँ अलग अलग। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह जी। सुखदेव सिंह जी कहाँ से आए हैं? हम गुल्ला चिका से जी। आप भी काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी, मजदूरी। क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी जो भी काम मिल जाता है, जो भी काम मिल मतलब उसके हिसाब से, मतलब हाँ जो अलग अलग हिसाब से, मतलब एक फिक्स नहीं है आपका। हाँ जी। तो क्या मजदूरी आपको दी जाती है? मजदूरी 350-350 रुपये दी जाती है, उसमें तेल खर्चा भी अपना होता है, मोटरसाइकिल का जी सब। 350-350 बता रहे हैं और सरकार दावे करती है कि 1000-1000 रुपए इनका जी है। हमारे को नहीं मिलती जी, ऐसा नहीं मिलती है। नहीं जी। देखिए क्या नाम है बाबा आपका? पंत। कहाँ से आए हैं? चीका से। चीका से आए हैं, क्या काम करते हैं? काफी काम करते हैं। कम से क्या काम करते हैं? यही मजदूरी करते हैं। क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल उम्र है, आप काम कर रहे हैं बच्चों को पालने के लिए। हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपके घर जी? कितने सदस्य हैं आपके घर? बच्चे? बच्चे जी दो ने। दो हैं सदस्य, मतलब पूरे दो, पूछ रही हूँ। आप ही के ऊपर सब डिपेंड है? हाँ हाँ। आप ही काम करते हैं? आप ही काम करते। क्या मजदूरी मिल जाती है आप लोग? ये मजदूरी देते हैं, मतलब जो नरेगा मिलती है वही 300 रुपए, सब बता रहे 300 भी लगभग नहीं मिल पाती है, 50 रुपए भी इस तरीके का मिलती है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता है ना जी, कुछ नहीं होता जी। ये तो हालात है देश के कि इतने इतने बुजुर्ग लोग जो है आज यहाँ रोडों पे आए हुए हैं, उनको मजदूरी उनके काम के हिसाब से मिलती नहीं है, 331 रुपए बताए जाते हैं लेकिन 331 रुपए के जो बोला जाता है लेकिन वो दिया नहीं जाता है, 50 रुपए दिए जाते। सोचिए इस महंगाई के दौर में 50 रुपए से क्या ही घर चलेगा, क्या ही बच्चों का खर्चा होगा, क्या ही वो शिक्षा दे पाएंगे, क्या ही वो अपने बच्चों को खिला पाएंगे। ये तो गुजारे भत्ते की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो आए हुए हैं यहाँ पर, इतनी ज्यादा संख्या में सारे मजदूर मनरेगा के हैं और जितने भी मजदूर किसान हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं, और पंजाब से, कैथल से, हरियाणा से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग उतरे हैं अपने अपने हक अधिकारों के लिए। जो 4 लेबर कोड बना दिया गया है उसको लेकर के ये लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब यहाँ रामलीला मैदान से आप ये देख सकते हैं भारी संख्या में पूरा तमाम जत्था यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ से अब कूच करते हुए ये राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे हैं उनको ज्ञापन सौंपने के लिए। बाकी ये देखिए कि ये मजदूरी करने वाला एक मजदूर जिसके द्वारा पूरा जो लोगों का संसार बसा हुआ है, ये मजदूरी करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वही उन्हीं के लिए ठिकाना नहीं है, ना रहने का, ना खाने का, ना ही उनकी कोई सैलरी जो एक फिक्स होती है वो तक इनकी फिक्स नहीं है। सोचिए कि कितनी बुरी हालत है मजदूरों की इस देश में कि आज यहाँ पर सड़कों पर पूरे उतरना पड़ रहा है इनको। और इतना जत्था आप देखिए पूरा आज रामलीला मैदान जो है पूरा लाल लाल झंडों से गूंज उठा है और इतनी नारों के साथ और लाल लाल झंडे ही लहराते हुए दिख रहे हैं, लाल सलाम वाले सब ये आए हुए हैं यहाँ पर, सारे मजदूर जत्था है जो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहा है।
तो ये अभी यहाँ से कूच करते हुए जाएंगे और इसी के साथ और भी खबरें दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जानी आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, रामलीला मैदान, दिल्ली।